हेलो दोस्तों, खेल एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आईपीएल के मैच नंबर 63 के बारे में, जो कि खेला जाएगा गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, मैच एनालिसिस एंड एडवांस प्रेडिक्शंस के बारे में। अगर आपको विनर प्रेडिक्शन चाहिए या सेशन से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जल्दी से मैच प्रीव्यू की बात करते हैं। तो अगर हम पॉइंट टेबल की बात करें तो जो गुजरात टाइटन है वो नंबर 8 पर बनी हुई है। गुजरात ने 12 मैच खेले हैं जिसमें से 5 मैच जीते हैं और 7 मैच हारे हैं। अगर हम कोलकाता नाइट राइडर्स की बात करें तो कोलकाता जो है नंबर 1 पर है और ऑलमोस्ट जो है कोलकाता क्वालिफाई हो चुकी है। कोलकाता ने 12 मैच खेले हैं, 9 मैच जीते हैं और 3 मैच हारे हैं। तो इस मैच में कौन जीतेगा, मैच हाई स्कोरिंग रहेगा या लो स्कोरिंग, इन सब क्वेश्चन के आंसर आपको वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। शुरुआत करते हैं गुजरात टाइटन के प्लेइंग 11 से। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे रिद्धिमान साह एंड शुभमन गिल। उसके बाद आते हैं साय सुदर्शन, डेविड मिलर, राहुल तेवटिया, विजय शंकर, नूर अहमद, राशिद खान, उमेश यादव, मोहित शर्मा एंड जोशुआ लिटल। अगर हम यहाँ से टॉप पिक्स की बात करें, शुभमन गिल जो है बहुत ही शानदार फॉर्म में है, लास्ट मैच में सेंचुरी भी लगा चुके हैं, तो आपको इनको जरूर पिक कर लेना है। सेम गोज विद साई सुदर्शन, साई सुदर्शन भी बहुत अच्छी फॉर्म में है, आपको इनको भी जरूर पिक कर लेना है। गुजरात टाइटन का जो बैटिंग डिपार्टमेंट है उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, डेविड मिलर भी उतने अच्छे रन जो है नहीं बना पा रहे हैं। अगर हम बॉलिंग डिपार्टमेंट से बात करें, आपको नूर अहमद एंड राशिद खान इन दोनों में से किसी एक को जरूर पिक कर लेना है, ये काफी अच्छे बॉलर हैं। इसी के साथ साथ लास्ट मैच में उमेश यादव ने क्या शानदार प्रदर्शन किया है, आप इनको भी जरूर पिक कर सकते हो। लास्ट मैच में दोस्तों जोशुआ लिटल नहीं खेले थे, लेकिन अगर जोशुआ लिटल खेलते हैं तो आपको उनको भी पिक कर लेना है। इसी के साथ साथ आप मोहित शर्मा के साथ भी जा सकते हो। प्रीवियस मैच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो गुजरात टाइटन ने खेला था चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ, जहां गुजरात टाइटन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 231 रन का एक बड़ा स्कोर बना दिया था। शुभमन गिल ने 104 रन, साई सुदर्शन ने 103 रन एंड डेविड मिलर ने 16 रन का स्कोर जो है बनाया था। अगर हम बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, मोहित शर्मा ने 4 ओवरों में 3 विकेट निकाल ली थी। इसी के साथ साथ राशिद खान ने 2 एंड उमेश यादव ने, देखो दोस्तों, 3 ओवरों में केवल 20 रन देकर जो है एक विकेट निकाल ली थी। ऐसे पिच जहां पर 230 रन का स्कोर बन रहा है, वहां उमेश यादव ने केवल 20 रन का स्कोर दिया था। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेइंग 11 के बारे में। ओपनिंग करते हुए आपको नजर आएंगे फिल साल्ट एंड सुनील नारायण। उसके बाद आते हैं अंकुश रघुवंशी, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, आंद्रे रसेल, मिथिल स्टार्क, हर्षित राणा एंड वरुण चक्रवर्ती। अगर हम यहाँ से टॉप पिक्स की बात करें, आपको सुनील नारायण को 100% जो है पिक करके जाना है। बहुत ही शानदार प्लेयर है, आपको बॉलिंग से एंड बैटिंग से दोनों से आपको पॉइंट्स देंगे। इसके बाद है अंकुश रघुवंशी। देखो दोस्तों, लास्ट के एक दो मैचों में अंकुश ने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन ये एक अच्छा प्लेयर है और अच्छा प्रदर्शन जो है कर सकता है। श्रेयस अय्यर भी आपको उतनी अच्छी फॉर्म में नहीं नजर आते हैं, लेकिन वेंकटेश अय्यर जो है अपनी फॉर्म में वापस नजर आते हैं। लास्ट मैच में भी इन्होंने एक क्विक 44 रन का स्कोर जो है बनाया था। इसी के साथ साथ आप रिंकू सिंह एंड आंद्रे रसेल के साथ जा सकते हो। अगर हम बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, हर्षित राणा बहुत ही शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। सेम गोज विद वरुण चक्रवर्ती, इन्होंने लास्ट मैच में भी 2 विकेटें निकाली थी, आपको इनको भी जरूर पिक कर लेना है। प्रीवियस मैच के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो कोलकाता नाइट राइडर्स ने खेला था मुंबई इंडियंस के खिलाफ, जहां कोलकाता ने पहले बैटिंग करते हुए 157 रन का स्कोर जो है बना दिया था। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस मैच में जो है बारिश हो गई थी, इसलिए 16 ही ओवर जो है किए गए थे। वेंकटेश अय्यर ने 42, रिग्नेतिक राणा ने 33 एंड आंद्रे रसेल ने 24 रन का जो है स्कोर बनाया था। अगर हम बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करें, वरुण चक्रवर्ती, आंद्रे रसेल, हर्षित राणा ने 2-2 विकेट निकाली थी एंड ये मैच कोलकाता आसानी से जीत गई थी। अब बात कर लेते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। तो कोलकाता और गुजरात के बीच टोटल मैच खेले गए हैं 3। गुजरात टाइटन जीते हैं 2 मैच और कोलकाता नाइट राइडर ने जीता है 1 मैच। लेकिन कोलकाता का यहाँ पर आपको एक अपर हैंड नजर आता है। कोलकाता बहुत ही शानदार टीम है, क्वालिफाई कर चुकी है, तो कोलकाता इस मैच को आसानी से जीत सकती है। हो सकता है कोलकाता जो है एक न्यू टीम खिलाए, कुछ नए प्लेयर्स को मौका दे, तो हो सकता है गुजरात टाइटन जो है इस मैच में कोलकाता को हरा दे। अब डिस्कस कर लेते हैं पिच रिपोर्ट के बारे में। तो वेन्यू जो है वो रहने वाला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आपको नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है एक बैटिंग फ्रेंडली पिच जो है देखने के लिए मिलेगी। गुड कंडीशन रहती है पेसर्स के लिए, तो यहां पर पेसर आपको विकेट निकालते हुए दिखेंगे। एक्सपेक्टेड स्कोर जो है वो 200 प्लस रन का रहने वाला है। एक हाई स्कोरिंग मैच आपको देखने के लिए मिलेगा, एक आपको चेजिंग फ्रेंडली पिच जो है वो देखने के लिए मिलेगी। अब डिस्कस कर लेते हैं प्रीवियस मैच के बारे में। गुजरात टाइटन ने जो है इसी पिच पर खेला था रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ, जहां साई सुदर्शन ने 84 रन का स्कोर बनाया था, शाहरुख खान ने 58 एंड डेविड मिलर ने 26 रन का स्कोर जो है बनाया था। बॉलिंग डिपार्टमेंट में किसी भी प्लेयर ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था। साई किशोर ने 1 विकेट निकाली है और इसी की वजह से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 16 ही ओवरों में 206 रन बनाकर इस मैच को आसानी से जीत गई थी।
अब डिस्कस कर लेते हैं एडवांस प्रिडिक्शन के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक हाई स्कोरिंग मैच जो है देखने के लिए मिलेगा, 80% सेशन में आपको यस देखने के लिए मिलेगा। एक और बात मैं आपको बता देता हूं, ये मैच जो है रिस्की मैच रहने वाला है, क्योंकि केकेआर हो सकता है नए चेहरों को मौका दे, क्योंकि केकेआर जो है ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, तो हो सकता है आपको गुजरात टाइटन इस मैच को जीतती हुई दिखे और केकेआर की बैटिंग जो है कोलैप्स कर जाए। अगर आपको फुल सेशन प्रेडिक्शन चाहिए और विनर से रिलेटेड अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।